हेलो असलम, कैसे हैं आप साफ़रण? मैं उम्मीद कर दूँगा आप खैरियत होंगे। तुम्हारा आज के टॉपिक, आप अपने मोबाइल फ़ोन की रैम को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, महाराज का ये टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सब बहन भाई दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुँच सकें। तो चलते टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जाना है आपने सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बैटरी एंड डिवाइस केयर, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मेमोरी, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा चेकिंग करेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। 2.56 GB जो है उसके साथ 4 GB यूज, ठीक है। ये आपको रैम की डिटेल यहाँ पे दे देगा, रिजल्ट में 392 MB ये सारा कुछ शो करेगा, ये रैम की जो है ये बता रहा है, ठीक है, डिटेल रैम प्लस, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना, एक ऑप्शन यहाँ पे जो आपके फ़ोन की मेमोरी होगी आपकी डिटेल 2 GB है, 4 GB है, 8 GB है, 16 GB है, ये आपके फ़ोन पर डिपेंड करता है कि उसकी रैम कितनी है, यहाँ पे आपको शो करेगा। इसके साथ ही एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा रैम प्लस, इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है और इसका ये देखना है आपने ये ऑप्शन आपका ऑन है या ऑफ़ है, ठीक है। अगर आपका ऑफ है तो इसको ऑन करके यहाँ पर आपने, यहाँ पे जैसे ये 2 GB या 4 GB है, 4 GB पे मैंने सेलेक्ट किया, जो आपकी सबसे ज़्यादा होगी आपके वह फ़ोन पे डिपेंड कर, उस पर आपने इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। जैसे ये मेरी 4 GB का, 4 GB ये जो है रैम यूज़ हो रही है, ठीक है, 4 GB ये और 4 GB ये टोटल 8 GB रैम मेरे फ़ोन की इस टाइम यूज़ हो रही है। तो इस तरह आप 8 GB जो है इस तरह विदाउट किसी ऐप के अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने ये करना है कि इसके बाद आपको एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता या आप इससे भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं अपने फ़ोन की रैम को, तो उसके लिए आपने ये करना है, आपने जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने यहाँ पे करना है स्वैप नो रूट, इस ऐप को आपने सर्च कर लेना है। सर्च करेंगे यहाँ पे ये ऐप आपको दिखाई देगा, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन पे क्लिक कर लेना है, जैसे ये मैं देख सकते हैं ओपन पे क्लिक किया, अब लोडिंग ले रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे आपको परमिशन मांगे, आपने अलो पे क्लिक करना है। अलो पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको एक दिखाई दे रहा है स्वैप साइज़, ठीक है, ये 512 पे अभी चल रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे इंक्रीज़ करेंगे, जितना आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, जब आप इसको इस पे सेलेक्ट कर लें। जैसे ये देख सकते हैं मैंने 8 GB पे सेलेक्ट कर लिया, उस पर आपने क्रिएट स्वैप पे क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको आएगा वॉच चेन एड टू अर्न वन एनर्जी, इस पर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। आपने एक ऐड को वॉच कर लेना है, ठीक है, ये मैं ऐड आ जाए आगे वॉच करके आगे आपको प्रोसेस इसका बताता हूँ। आप ये देख सकते हैं मेरा ये जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया ऐड, ठीक है। इसको ऐड ख़त्म होने के बाद आपने इसको कैंसिल कर देना है, कैंसिल करेंगे यू हैव गेंड वन एनर्जी, ठीक है, ये इस तरह आएगा, ओके, आपने ओके कर देना है। तो इसके बाद आपने ये जो रैम बढ़ानी है आपने अपनी स्टोरेज के हिसाब से बढ़ानी है। अगर आपकी स्टोरेज जो है 1 GB 2 GB 3 GB जितनी आपको मेमोरी में होगी उस हिसाब से आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी मेमोरी जो है कम है तो इसको उसी हिसाब से 1 GB, अगर मेमोरी आपके पास बाकी है तो आपने 1 GB सेलेक्ट करना है, तो उस हिसाब से आप रैम को बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आखिर पर मैं सब बहन भाई दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।